तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसी डिफेंडर। फाइनली एक और वीडियो लेके आ गए और सेम कंटिन्यू करेंगे भाई प्रीवियस पेपर आपका CHSL का 2024 का। ठीक है, ऑलरेडी 15 सेट में करा चुका हूँ, तो ये आपका सेट 16th हो जाएगा। 15 सेट में ऑलरेडी करा चुका हूँ, 16 सेट है ये, 16वां सेट है एंड 35 है, 36 शिफ्ट है। तो जितनी जल्दी हो सके मैं कवर करा दूंगा आपको, है ना। CHSL का मैंने बता दिया, आपकी ऑफिशियल डेट आ गई है, 9 सेप्टेम्बर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई मॉक लगाते रहिए, रिविजन करते रहिए, वो मैं ऑलरेडी हर शिफ्ट में आपको बताता हूँ। ठीक है, की वही रहेगी भाई, मॉक दे दीजिए और रिवीजन करिए, नया कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, सी मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि 2024 में जितने पेपर हुए हैं, भले ही वो आपके CPO का हो, फेस 12 का हो या फिर आपका CHSL का हो, इनको कवर करना मैंडेटरी है भाई, बहुत ज़रूरी है भाई। बहुत सारे क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से रिपीटेड आपको देखने के लिए मिलेंगे अभी रिसेंट में, जो आपका CGL का एग्जाम होगा। ठीक है, CGL और CHSL का जो आपका Tier 2 का एग्जाम होगा सेम, उसमें भी 60 मार्क्स की आपकी GS आती है, तो GS के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। बाकी कवर तो आपको सारे सब्जेक्ट का करना है। ठीक है, PDF निकाली अभी तक तो आपने शायद कवर कर भी लिया होगा। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया वो डेफिनेटली इसको कवर कर लें, अभी बहुत कम टाइम बचा है आपके पास। बाकी प्रीवियस ईयर मैंने 15 सेट करा चुका हूँ, CPO के भी कराए मैंने, फेस 12 के कराए हैं। आपको टॉप 100 क्वेश्चन ही मिल जाएंगे CPO और फेस 12 के, वो भी आप दे सकते हैं ना, बहुत हेल्प होगी आपको CGL के लिए। ठीक है, बाकी आज का पेपर स्टार्ट करते हैं। तो ये 5 जुलाई को पेपर था एंड शिफ्ट 9 बजे का है। ठीक है, तो शिफ्ट फर्स्ट हो गई हमारी ये, एंड 16th सेट है हमारा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडिट। तो 42nd अमेंडमेंट से कौन सी चीज़ एडिट हुई थी भाई? एक तो इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, पता होना चाहिए, 1976 का 42nd अमेंडमेंट, 1976 का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, तो 1976 में ऐड हुआ था। एंड इसमें क्या ऐड हुई थी? लेजिस्लेचर फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी भाई हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी पार्ट 4A, आर्टिकल 15A, 51A। एंड कितनी अभी? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। आपसे पूछ जाता है कब ऐड हुई थी 11th वाली, तो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुई थी 2002 से। आपसे कमेटी पूछ लेते हैं, किस कमेटी के रिकमेंडेशन से हुई थी, तो ये पता होनी चाहिए, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, तो ये सारा आपको पता होना चाहिए। एट प्रेजेंट हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच स्टेट होल्ड द नेहरू नेहरू ट्रॉफी बोट रेस? तो नेहरू बोटी ट्रॉफी बोट रेस है वो कौन सा स्टेट ऑर्गेनाइज करता है? तो केरला करता है, वलमकली बोट रेस आपने सुना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम वही है वलमकली बोट रेस, जो ओणम का फेस्टिवल होता है उसमें ये लोग इसका आयोजन करते हैं, वलमकली बोट रेस का। ठीक है, आपने काफ़ी सारा देखा होगा, हार्वेस्ट फेस्टिवल जब इनके यहाँ होता है ओणम का केरला में, तब ये लोग इस बोट रेस का आयोजन करते हैं। ठीक है, केरला इंपॉर्टेंट है, केरला में आते हुए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। सबसे पहले सेक्स रेशियो हाइएस्ट है इसका, लिटरेसी रेट हाइएस्ट है, सेक्स रेशियो आपको पता भी होना चाहिए, 1084 है अराउंड। ठीक है, 1084 है। केरला का ही फ्रूट है जैक फ्रूट, ये पता होना चाहिए, जिसे अभी रिसेंट में डिक्लेयर किया गया था। और अनामुड़ी, केरला में जो वेस्टर्न घाट से अनामुड़ी है उसका नाम, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा आपको केरला के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज लवलीना बोरगेन एसोसिएटेड? तो लवलीना बोरगेन इंपॉर्टेंट नाम है, किससे एसोसिएटेड है? बॉक्सिंग से है। ठीक है, और इन्हें ओलंपिक्स में जो 2020 के हुए थे हमारे, उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था। जो 2024 वाला है वो आप छोड़ सकते हो वैसे तो, मुझे लगता है उसमें से अभी रिसेंट में क्वेश्चन आएंगे जो ओलंपिक्स 2024 का है। बाकी आप उसमें देख सकते हो, मनु भाकर ने 2 ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, और नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है, वो सारे आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी रिसेंट में मिले हैं, बट मुझे नहीं लगता वो ये क्वेश्चन आपको CGL में देखने के लिए मिलेंगे अभी जो आपका एग्जाम होगा। बाकी एक बार क्विक रिव्यू कर सकते हैं, ओलंपिक 2024 का ज़्यादा मेडल मिला ही नहीं है इंडिया को, 76 पोजीशन पर इंडिया, तो वो सारा एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल विच एग्जिबिट द्रविडियन टेम्पल आर्किटेक्चर इज लोकेटेड इन? तो बृहदेश्वर टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ रहा है कि कहाँ पे लोकेटेड है, तो थंजावुर में। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल बहुत बार रिपीट हुआ है, बृहदेश्वर टेम्पल पे क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकी प्लैनेट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट इन आर सोलर सिस्टम? सॉरी, ट्रेवलिंग थ्रू स्पेस एट अबाउट 29 माइल्स 47 किलोमीटर पर सेकेंड। तो वही प्लैनेट है जो सबसे करीब है। ठीक है, कौन सा ये? मरकरी है, सारे पता होना चाहिए, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी रोट अ नोवल आनंद मठ बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रेबिलियंस रिवोल्ट? तो सन्यासी रेबिलियन रिपीटेड क्वेश्चन है, CGL का सॉरी SSC का रिपीटेड क्वेश्चन है, सन्यासी रेबिलियन बहुत बार रिपीट हुआ है बंकिम चंद्र चटर्जी का। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज बाय द स्टेट ऑफ? तो पिंजौर गार्डन आपने सुना होगा, इट इज़ लोकेटेड इन हरियाणा, ये आपको पता होना चाहिए, हरियाणा के पंचकुला में है और वहीं पे ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मैंग्रोव फॉरेस्ट?
तो मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ किस स्टेट में है? ये आंध्र प्रदेश में है वैसे तो। देखो ज़्यादातर आपको कोस्टल एरिया में ही मिल जाएगा ये, जो आपके कोस्टल एरिया होते हैं जैसे सुंदरबन डेल्टा वगैरह, वहाँ पे भी ये मिलता है वेस्ट बंगाल में, है ना। बाकी कोस्टल एरियाज में बहुत फाउंड होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट पे चलते हैं। द फिनोमेना ऑफ द इंट्रेक्शन बिटवीन नॉन एलेलिक जीन्स एट टू और मोर लोकाई रिजल्टिंग इन वन जीन मास्किंग द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन ऑफ अनदर जीन इज नोन एज, तो ऐसे एपिस्टेसिस बोलते हैं। बायो का क्वेश्चन है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इन कोलाबोरेशन विद द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अनाउंस द लॉन्च ऑफ द AI फॉर ऑल इनिशिएटिव विद द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरी वन इन इंडिया। तो CBSE और जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो बोल रहा है कि AI फॉर ऑल किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के कोलोबोरेशन से ये इंट्रोड्यूस कराया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेल, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रोज इन MS Excel आर आइडेंटिफाइड जाए, दो जो रोज होते हैं MS Excel में उसको किससे आइडेंटिफाई किया जाता है? भाई नंबर से किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स वॉज अ पार्ट ऑफ द ट्राइपार्टीट स्ट्रगल फॉर द पोजेशन ऑफ कन्नौज? तो वही किसकी बात हो रही है? पाला डायनेस्टी की बात हो रही है, जहाँ पे धर्मपाला थे। पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? फाउंडर बहुत गोपाला, और बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे धर्मपाला। इन्हीं के द्वारा क्या फाउंड किया गया था? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। और कुछ पार्ट इन्होंने रिस्टोर कराया था, किसका? ही ऑल्सो रिस्टोर्ड सम पार्ट ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। और ट्राइपार्टी स्ट्रगल बोला जाता है कन्नौज का था, कन्नौज बंगाल एंड बिहार, ठीक है। इन्हीं के कंट्रोल में ये सारे जो टेरिटरी है इनके अंडर आ गई थी, ठीक है। तो फाउंडर बता दिया गोपाला, धर्मपाला इंपॉर्टेंट रूलर थे। अगर आपसे लास्ट रूलर पूछा जाए, लास्ट रूलर ऑफ पाला डायनेस्टी, तो ये थे गोविंद पाला, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। गोविंद पाला, गोपाला एंड धर्मपाला, ये सारे थे हमारे पाला डायनेस्टी। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट? इंडिया बोरोड द आइडिया ऑफ 5 ईयर प्लान फ्रॉम द फॉर्मर सोवियत यूनियन, ये सही है भाई, USSR से लिया था। चेयरमैनशिप ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर, ये ऑप्शन भी सही है। डिस्टिंग्विश इकोनॉमिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड वर इन्वाइटेड टू एडवाइज ऑन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान पीरियड। द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज सेट अप इन 1915, तो ये भी सही है भाई, है ना। ये रॉन्ग हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन, बाकी तीनों में पता है, तीनों ये करेक्ट है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा गया, तो ऑप्शन थर्ड इज द इनकरेक्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट विद अवेज फंडामेंटल ड्यूटीज, तो कौन सा स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, ठीक है। सबसे पहले, दे आर ऑब्लिगेटरी इन नेचर, सही है भाई, ये ऑब्लिगेटरी होते हैं हमारे नेचर, फंडामेंटल ड्यूटीज में ऑब्लिगेटरी होते हैं, स्टेचुरी होते हैं, ठीक है, नॉन एनफोर्सेबल होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिल्कुल सही बात है। द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 15(1)(a) क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग बेस फॉर अ कंक्रीट नेशनल कैरेक्टर एंड स्ट्रॉन्ग हारमोनी, बिल्कुल। आर्टिकल 51A में बहुत सारे हमारे सब रूल्स होते हैं, ए अगर आपने पढ़ा हो, है ना, तो उसमें नेशनल कैरेक्टर हारमोनी के बारे में बताया गया कि नेशनल फ्लैग्स होते हैं, जो एंथम होता है उनको हमें, है ना, एक तरह से क्या कहते हैं उसको, मानना चाहिए, है ना, वैसे टाइप का जो फ्लैग्स और उसके लिए, है ना। तो सारे सब क्लॉज में हमारे आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताया। 11th फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय द 78th, नहीं 78 नहीं, 86th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, तो आपको बताना चाहिए। तो ऑप्शन फोर इज द रॉन्ग, इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन फोर इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। डैश वॉज अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया इन अप्रैल 2024, तो लिंडी कैमरन को बुलाया गया था, बाकी तो ये करंट अफेयर्स का हो गया, पूछ सकता है फिर भी। लिंडी जो लिंडी कैमरन है ये ब्रिटिश हाई कमिश्नर है क्या इंडिया के, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू एक्सीलरेट चार्ज पार्टिकल्स टू हाई वेलोसिटीज, तो आपने साइक्लोट्रॉन का नाम सुना होगा, क्या करता है ये? आपने अगर मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स यूज़ करता है ये, इससे क्या होता है, ये जो क्या बोलते हैं, जो पार्टिकल होता है आपका चार्ज पार्टिकल, ये एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है ड्यू टू मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स। तो पूछ रहा है कि कौन सी डिवाइस से यूज होता है इस एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल को किस में, सर्कुलर पाथ में रोटेट करने के लिए, तो इसका राइट आंसर है साइक्लोट्रॉन, ठीक है, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा पहले। नेक्स्ट पे चलते हैं। द मैरीटाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2020 वाज इनएक्टेड टू गिव इफेक्ट टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनाइटेड नेशंस रीजनल सीज कन्वेंशन रिलेटेड टू रिप्रेशन ऑफ पायरेसी ऑन हाई सीज, सॉरी रिप्रेशन ऑफ पायरेसी ऑन हाई सीज, ठीक है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी रिलेटेड टू, यूनाइटेड नेशन के भाई लॉ का था किसके लिए, रिप्रेशन करने के, पायरेसी जो होती है हमारी सीज वगैरह में, उसके लिए लाया गया था मेरी टाइम एंटी पायरेसी एक्ट 2022, ठीक है।
ऑप्शन सेकंड इज द राइट, सही पूछ रहा है। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच ऑप्शन अलाउज यू टू एक्सक्लूड स्पेसिफिक सिलेक्शन और टाइप ऑफ टेक्स्ट फ्रॉम द स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। तो एक्सक्लूजन डिक्शनरी से हो जाता है भाई, आपने पढ़ा होगा अगर MS Word अगर आपने चलाया तो एक्सक्लूजन डिक्शनरी का ऑप्शन आता है, उससे हम लोग स्पेसिफिक टेक्स्ट को एक्सक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अभी एक पीछे वाले शिफ्ट में आया था, मैं आपको रिवाइज करा दूँ। MS Word पे कोई जो क्वेश्चन आया था उसमें पूछा गया, तो MS Word 2016 है, उसमें डिफॉल्ट साइज़ क्या होता है आपके, तो वो 11 होता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो रिलेशनशिप पूछ रहा है भाई, डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू NDP एट, नहीं NDP एट नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का नहीं होता है। GDP एट मार्केट प्राइस इक्वल टू प्राइस प्लस क्वांटिटी, क्वांटिटी नहीं होता है भाई। नेशनल इनकम इक्वल टू NDP एट फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अभी पीछे वाले शिफ्ट में फैक्टर कॉस्ट पे क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या रिस्पॉन्सिबल होता है नेट इनकम कैलकुलेट करने के लिए, तो फैक्टर कॉस्ट इसका राइट आंसर था। तो देख लो सब रिलेटेड होते हैं जो क्वेश्चन आपके पीछे वाले शिफ्ट में पूछे गए या आगे वाले शिफ्ट में पूछे गए, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस देखना एग्जाम के टाइम पे। वैसे तो मना कर रखे हैं एनालिसिस कराने के लिए, है ना, आपने सुना होगा SSC वगैरह काफ़ी टाइम निकाल देती है नोटिस कि एनालिसिस मत कराओ भाई, बट स्टिल जब कुछ टीचर स्टार्ट कर देते हैं उसको तो सबको करवाना पड़ता है, क्योंकि उससे ये होगा कि, है ना, सब फिर उसमें ये होता है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि वो नहीं कर रहे हैं हम ना करें, ऐसा नहीं होता है भाई। उसमें एनालिसिस कुछ टीचर स्टार्ट करते हैं तो सब कराने लगते हैं फिर उसमें, और उसमें नुकसान किसका होता है, उन बच्चों का होता है जो देखते नहीं एनालिसिस। फिर सबको ये होता है कि देखना पड़ेगा एनालिसिस, क्योंकि एनालिसिस से बहुत फ़र्क पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आपको एक आइडिया लग जाता है अभी किस शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, और आगे वाले शिफ्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिलते हैं उसी से रिलेटेड, है ना। काफ़ी टाइम तो हमने देखा है कि रिपीट भी होता है कुछ क्वेश्चन, तो इसके लिए तो भाई कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको एनालिसिस देखना ही पड़ेगा एग्जाम के टाइम पे, है ना। नेक्स्ट पे, एज पर सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट। तो कौन सा लोएस्ट लिटरेसी रेट था भाई, बिहार का तो हमें पता है, और दूसरा कौन सा राज्य हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। बिहार का आपको याद होना चाहिए, सबसे लोएस्ट बिहार का था 63.82%, एंड जो आपका अरुणाचल प्रदेश है उसका 66.95%। ठीक है, तो ये दोनों लोएस्ट थे, लोएस्ट आपसे पूछा गया है। वैसे लिटरेसी रेट कितना है इंडिया का, 74% है, इसमें आपको मेल का पता होना चाहिए 82.14% है, एंड फीमेल का 65.46% था। ठीक है, अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए मेल एंड फीमेल का सबसे मैक्सिमम कहाँ है, तो वो राजस्थान में है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैक्सिमम पूछा जाए मैक्सिमम में कहाँ कहाँ होते हैं, तो केरला में सबसे हाईएस्ट होता है 93.91%, ये आपको पता होना चाहिए। लक्षद्वीप का पता कर लो, लक्षद्वीप का याद कर लो 92.28%। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए, लोएस्ट में आपको बिहार एंड अरुणाचल प्रदेश, ये याद होना चाहिए लिटरेसी रेट। बाकी आप देख लेते हैं, है ना, लिटरेसी रेट होता क्या है। वैसे तो 7 साल से अबव जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनको रीड एंड राइट आना चाहिए, उसको हम लोग एक बार कैटेगरी, किस कैटेगरी में डाल देते हैं, लिटरेट पर्सन की कैटेगरी में डाल देते हैं। फर्स्ट सेंसस 1872 में कराया था लॉर्ड मायो ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सिंगर ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। तो कौन है भाई, शुभम उद्गल। इन क्रिकेट डैश इज कॉल्ड बाय द अंपायर व्हेन द बॉलर डज नॉट डिलीवर द बॉल विद इन द रीच ऑफ द बैटर। तो उसे क्या कहते हैं भाई, नो बॉल, यॉर्कर, डेड बॉल, या फिर वाइड, वाइड बोलते हैं। ठीक है, साइड में फेंक देता है भाई, जब डिलीवर नहीं हो पाती है, उसकी रीच के बाहर होती है, तो वो वाइड बॉल कहलाती है। तो यही सारे क्वेश्चन थे भाई, है ना, एक टाइप से रिविजन कर लेना भाई फास्ट स्पीड में देख के, कौन सा गया, एक तरह से करंट अफेयर्स की तरह से, क्विज की तरह से इसको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, बाकी जितनी जल्दी होगी मैं सारे कंप्लीट करा दूँगा आपको, 16 सेट में करा चुका हूँ, है ना। बाकी तैयारी करते रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शिफ्ट में। थैंक यू।